श्री सिद्धनाथ द्वार निर्माण कार्य का सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने किया निरीक्षण। एक वर्ष से अधूरे पड़े द्वार निर्माण के पुनः प्रारंभ होने से श्रद्धालुओं में हर्ष, शिवडोला समिति के आक्रोश व सांसद पटेल के हस्तक्षेप से पुनः प्रारंभ हुआ कार्य। खरगोन अधिष्ठाता भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव के नाम से नगर के महाराणा प्रताप चौराहे पर निर्माणाधीन श्री सिद्धनाथ द्वार का शनिवार को खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर सार्वजनिक श्रावण मास समारोह आयोजन समिति, शिवडोला समिति, श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर भावसार मोहल्ला खरगोन के संरक्षण मनोहर भावसार, सचिव रवि धारे, प्रवक्ता प्रकाश भावसार, सह मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र भावसार, सदस्य श्याम कुशवाहा, भाजपा नेता मोहन जायसवाल, राजेश रावत आदि उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान सांसद श्री पटेल ने नगर पालिका के ठेकेदार को शिवडोला से पूर्व 15 अगस्त तक श्री सिद्धनाथ द्वार का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। इस पर ठेकेदार ने कहा, द्वार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। द्वार से संबंधित कुछ कार्य खरगोन में व कुछ कार्य राजस्थान में हो रहा है। निर्धारित दिनांक तक द्वार का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। ज्ञात रहे कि गत दिनों शिवडोला समिति अध्यक्ष नवनीत लाल भंडारी के नेतृत्व में समिति पदाधिकारियों व श्रद्धालुओं ने सांसद श्री पटेल से भेंट कर श्री सिद्धनाथ द्वार के एक वर्ष से अधिक समय से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग की थी। साथ ही 7 दिवस में कार्य प्रारंभ न होने पर महाराणा प्रताप चौराहा पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस पर सांसद श्री पटेल ने नगरपालिका सीएमओ एमआर निगवाल को तत्काल बुलाकर श्री सिद्धनाथ द्वार का निर्माण कार्य 7 दिन में पुनः प्रारंभ कर 15 अगस्त से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। साथ ही समय समय पर स्वयं निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा व 15 अगस्त को द्वार पर ध्वजारोहण की बात कही थी। नगर पालिका परिषद ने करीब 10 लाख रुपए की लागत का द्वितीय टेंडर आमंत्रित कर पुनः कार्य प्रारंभ किया है। शिवडोला 21 अगस्त को शिवडोला समिति के संरक्षण मनोहर भावसार ने कहा, प्रतिवर्षानुसार भादोवदी दूज 21 अगस्त बुधवार को भगवान श्री सिद्धनाथ जी महादेव शाही ठाटबाट के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सांसद गजेंद्र पटेल के हस्तक्षेप के बाद श्री सिद्धनाथ द्वार के अधूरे निर्माण कार्य के पुनः प्रारंभ होने से श्रद्धालुओं में हर्ष व्याप्त है। अब शिवडोला से पूर्व सिद्धनाथ द्वार का निर्माण पूर्व होने की उम्मीद जगी है। अधिक संसाधन व निर्माण सामग्री जुटाकर कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। झोपड़ी 8 फीट की है, इधर तो 5-5 फीट की झोपड़ी है। टोटल 5 झोपड़ी आएंगी ऊपर, वो छतरी 5 छतरी आखिरी वाले जो 8 फीट बीच में 8 फीट की सेंटर में है, तो 5-5 फीट की बीच में छोटी। सांसद महोदय, अभी कुछ समय पहले ये लंबित गेट के लिए समिति के कुछ सदस्य आपसे मिले थे, आपने आश्वासन भी दिया था। आज दिख रहा है कि गेट का कार्य भी प्रगति पर है, आपके कहे अनुसार क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवडोला खरगोन में निकलता है। यहाँ पर बड़ी धार्मिक आस्थाएं हैं, हजारों लाखों लोग उस दिन शिवडोला के रूप में उपस्थित होते हैं। और पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनी, तो हमने सबसे पहले घोषणा करी कि सिद्धनाथ बाबा का एक गेट बनेगा। और आज वो गेट पर प्रगति पर है, क्योंकि इसके पहले भी मंदिर समिति का एक डेलीगेशन मेरे से मिला था और मैंने कहा था कि चिंता मुक्त रहिए, इस बार बाबा महाकाल की सवारी इसी गेट से होकर गुजरेगी। और मैं हम प्रगति को देखने के लिए आए, मेरे साथ राजेश रावत जी हैं, आदरणीय प्रकाश जी हैं, आदरणीय मोहन जायसवाल जी हैं, हम सब लोग पार्टी के लोग आए हैं। और निश्चित तौर पर ठेकेदार ने भी विश्वास तो किया है कि इसका काम जल्दी पूर्ण करेंगे, शिवडोला निकलने के पहले पहले ये गेट पूरा होगा और इसी से बाबा की महाकाल की सवारी निकलेगी।
हुए अभी कुछ समय पहले, अब इस लंबित गेट के लिए सांसद महोदय से मिले थे, अब निर्माण भी दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सांसद महोदय ने जो निवेदन जाते महोदय शिव विवाह समिति ने निवेदन किया था कि भाई इस गेट का काम शुरू होना चाहिए, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा, जो आज तारीख को दिखाई दे रहा है कि काम शुरू हो गया है। बस निवेदन यही है नगर पालिका और सांसद महोदय से कि 15 अगस्त को जो उद्घाटन करने की सांसद महोदय ने बात की है कि 15 अगस्त को इस गेट का उद्घाटन करेंगे, पर वो सुचारू रूप से पूर्ण हो जाए यही चाहते हैं हम सभी सूडोला समिति। सांसद महोदय ने इसको सूडोले से पूर्व कंप्लीट करने का बोला है या और भी कुछ बातें अभी आपकी हुई थी, क्या हुई? बस यही है कि 15 अगस्त को उद्घाटन करना है इसका, 15 अगस्त के पहले सूडोले के पहले इसको दाव को बढ़ाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा और 15 अगस्त को इसका उद्घाटन होगा, यही चाहते हम। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।